शादी के बाद राहुल एन दिशा हमारे साथ है भाई। कितनी कहते ना दुनिया बदलती है, बट दुनिया नहीं बदलती है, कुछ नई चीज़ें सीखने मिलती है शादी के बाद। तो आप दोनों ने नया चीज़ें क्या सीखा है अभी तक? शादी हो गई? नहीं अभी तक नहीं हुई, होने वाली है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। आज तक का एक्सपीरियंस बहुत था, आज तक बहुत अलग अलग चीज़ें हुआ करती थी, बट आज तक मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज तक हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत बढ़िया रहा है। दिशा, वुड यू लाइक टू एलैबोरेट? बाप रे, बहुत कह दिया आपने ऑलरेडी। तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है। सॉरी, मैं क्वेश्चन ही भूल गई, क्या पूछा आपने? शादी के बाद सब कुछ अच्छे अच्छे होते हैं, बट शादी के बाद जो एक नया एक्सपीरियंस मिलता है वो अलग होता है। सब सेम है फ्रैंकली मेरे हमारे केस में, मुझे लगता है कुछ ऐसा कुछ बदला नहीं है, इट हैज़ बिन द सेम। ऐसा कहते हैं कि जब शादी होती है भले आप 10 साल डेट कर लो, समथिंग न्यू कम्स अप एंड यू फाइंड न्यू थिंग्स अबाउट योर पार्टनर, बट वी हैव बीन सो रियल सिंस द बिगिनिंग कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं अभी तक कि ऐसा लगे कि ओ ये पहले तो नहीं था, समथिंग दिस इज़ न्यू। सो आई थिंक इट हैज़ बिन ऑल ब्यूटिफुल। तभी कहते हैं कि जब आप शादी कर रहे हो डू इट फॉर द राइट रीज़न एंड विद द राइट पर्सन, तो सब अच्छा ही होता है, तो अच्छा ही हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, शादी के कितने दिन बाद ये सब महसूस होता है कि जो लोग बोलते हैं कि 10 दिन में हो जाना चाहिए, ऐसा अरे कर लो उसके बाद पता चलेगा, कितने दिन बाद मतलब हम पता चलेगा ऐसा वेट करें? तो जो मेरे जो दोस्त लोग हैं 3 महीने बहुत सही थे, चौथे महीने का जो चेंजेस आया ना अचानक में, मैं बताता हूँ एक्सपीरियंस। तीन महीने बाद आना। लेकिन राहुल, शादी के पहले म्यूजिक वीडियो हुआ, लेकिन शादी के बाद कब आप दोनों का साथ में एक म्यूजिक वीडियो आने वाला है? ये मुझे अपना म्यूजिक वीडियो में, वाह, यू शुड कास्ट मी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बट नहीं, वी विल डू समथिंग टुगेदर। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी बात चल रही है, बट यू नो दिशा इज डूइंग हर ओन थिंग, आई एम डूइंग माय ओन थिंग, इसलिए थोड़ा सा वो बीच में आ पाना मुश्किल हो रहा है अभी, बट वेरी सून आई थिंक हम करेंगे, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि हमने प्रोजेक्ट एक साथ किया ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, और हम कल तक की बात नहीं करेंगे, बट आज तक हम कोशिश करेंगे कि आज तक हम लेके आ जाएं म्यूजिक वीडियो को। क्या ब्रांडिंग कर रहा हूँ आज तक की यार, और क्यों? लेकिन अगर बात की जाए खतरों के खिलाड़ी की, तो खतरों खड़े में लगा था दिशा कि इतने आगे तक जाएंगे ये? फ्रैंकली नहीं लगा था, और उनको खुद भी नहीं लगा था। हाँ जी हाँ, बट ही इज़ परफॉर्मिंग सो वेल, जो सब लोग देख ही रहे हैं। आई थिंक जो एक फर्स्ट टास्क था उनका, उसमें शायद उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बट बिकॉज ऑफ लक ही जस्ट slipped and fell। अदर देन दैट सारे टास्क यू ऑलमोस्ट वन, ही इज़ किलिंग इट। अनलकी रहा हूँ कुछ चीज़ों में। थैंक यू मिसेस, बहुत आज तक। अरे मिसेज आज तक नहीं, बट नहीं, ये शो बहुत अच्छा है, एंड एक्चुअली मुझे अपने आप को तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता, आई बी ऑनेस्ट विथ यू। तो इसलिए मैं सोचा था जाऊंगा, थोड़ा एक चेंज महसूस, साउथ अफ्रीका, इंडिया में वैसे भी सब बोर हो रहे थे बिकॉज लॉकडाउन था, कुछ कर नहीं पा रहे थे, हम सोचा चलो बाहर जाके आएंगे, बट भाई करते 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 ना अच्छा हो गया, एंड आई हैव रियलाइज माई थिंग समथिंग अबाउट माई सेल्फ विच यू ऑल्सो रियलाइज दिस, कि मैं स्टार्टिंग में ना पहले 2-3 हफ्ते थोड़ा ऐसे होता हूँ। yes, ये बिग बॉस में भी हुआ। हाँ, वो हर जगह मेरा फाइनली धीरे धीरे एक जस्ट प्रॉपर एक अप्रोच मिलने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, पहले मैं ऐसे शेकी होता है स्टार्टिंग में, फिर एक बार अगर मिलता है फिर इट्स लाइक रॉकेट। बिग बॉस के बाद आपने की है, बिग बॉस OTT पे आ चुका है, इस बार का जो कहते हैं ना कि अलग, बहुत अलग है। नहीं भाई, आपसे हम मिल चुके हैं अंदर, आपने बता चुका है कैसा एक्सपीरियंस रहता है, तो जो नए लोग जो गए हैं, और उसमें से आपके खतरों के खिलाड़ी की एक फ्रेंड भी, वो भी गई है अंदर। खतरों के खिलाड़ी की फ्रेंड कौन गई भाई अंदर? आई थिंक दिव्या। दिव्या अग्रवाल उसमें थोड़ी थी खतरों, वरुण वॉज इन खतरों की खिलाड़ी, एंड दे आर इन अ यू नो रिलेशनशिप, एंड दिव्या इज हिज गर्लफ्रेंड, एंड वी वेरी हैप्पी। मैं एक्चुअली देखना चाहता हूँ कि कौन क्या है, यू नो बहुत सारे लोग गए हैं, बट आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि एग्जैक्टली। नेहा ने मुझे फ़ोन किया था, नेहा बसीन ने, कि यू नो मैं जाने का सोच, उसने मुझे बताया नहीं था कि वो ऑलरेडी जा रही है, उसने मुझे पूछा था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, मैंने कहा ये होता है ये नहीं होता है, बाकी मर्जी तुम्हारी। तो बट ऑल द बेस्ट, आई थिंक शी डू वेल। दिशा मिली, दिशा बहुत खबरें उड़ रही हैं, आपको ही पता है, बड़े अच्छे लगते बारे में, कुछ तो बताइए आप। ये उड़ा रहे हैं, मुझे लगता है आप ही उड़ा रहे हैं। आप वो फिर पूछते या आप आज तक हम सामने सीधा पूछते हैं भाई कि भैया जो खबरें हैं सच या गलत। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने अभी तक यही बोला है, मैं वही चीज़ वापस रिपीट करूंगी कि अभी कुछ हुआ नहीं है,
इट्स टू अर्ली टू कॉमेंट, एंड जब कोई चीज़ फाइनलाइज होगी या कुछ होगा तो आप लोगों को डेफिनेटली यू विल फाइंड आउट। आता है बड़े अच्छा, तो आप करना चाहेंगी दिशा? तो जब आएगा हम तब बात करेंगे। थैंक यू सो मच, हमसे बात करें।